देश की धरती से देश के सभी बहादुर सपूतों को और उनको जन्म देने वाली हर मां को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने हमेशा से देश को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी हैं। वो कुछ नहीं कहते, बस डटे रहते हैं। एक देश के नाते हमारा काम यहीं से शुरू होता है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनके परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहे। सरकार की, प्रशासन की तो ये जिम्मेदारी है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है, ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो या फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। भारतीय नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। ये हमारे सुरक्षा बलों ने पहले भी कर दिखाया है और अब भी कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी।